हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है ब्रेड पकौड़ा। बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा इजी है। घर में जो भी चीजें अवेलेबल है आराम से मिल जाती है। चीज के साथ भी बनाइए, विदाउट चीज भी बनाइए, नो प्रॉब्लम। जिसके साथ चाहिए उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। बस एक टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि जब कभी भी आप ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो ब्रेड जो है वो फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बासी ब्रेड यूज करते हैं या फ्रिज का रखा हुआ ब्रेड यूज करते हैं तो वो बेसन में जाते ही टूट जाएंगे। इसीलिए जब कभी भी आप ब्रेड पकौड़ा बनाने का इरादा कर रहे हैं तो आपको ब्रेड जो है वो फ्रेश होना चाहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर माई वीडियो। इसको मैं कट करके भी बता देती हूँ आपको कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ है। चलिए कटिंग करते हैं। बहुत सॉफ्ट है ये, आराम से कट हो जाता है। ये देखिए अंदर की फीलिंग, वाव। तो देर किस बात की है, किचन में चलते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। चार मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू लिए हैं। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। ये मैंने चार हरी मिर्च ली हुई है, धनिया की पत्ती और पुदीना, ये दोनों लेना है आपको इक्वल क्वांटिटी में। इससे जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। एक बार इसको डाल के जरूर देखिएगा पुदीना। और उसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा 1/4, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून और नमक जो है वो आपके स्वाद अनुसार आप हमें ले लीजिएगा। और इन सबको हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अच्छे से मैंने इन सबको मैश कर लिया है। इसी तरीके से आपको मैश करना है। एक बाउल लेंगे, उसमें एक छोटा बाउल बेसन लेंगे, इसमें इसको डाल देंगे और थोड़े से कुछ मसाले हैं वो डाल देते हैं हम। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 1/4 लेंगे, हल्दी पाउडर 1/4 लेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैंने हाफ टी स्पून लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि बस मसाले में भी हमने नमक मिलाया हुआ है तो इसीलिए इसमें आप अपने हिसाब से डालिएगा, ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो हम ब्रेड पकौड़ा डालेंगे वो आराम से कोट हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए, बस इतना पतला होना चाहिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए बस। इसके बाद हम मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ब्रेड स्लाइस लेना है, उस पर सेजवान सॉस एक पूरा स्प्रेड करना है अच्छे से। एक चम्मच ले लीजिएगा सेजवान सॉस, इसको अच्छे से सब जगह पे स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद जो हमने मसाला बनाया हुआ है ना उसको स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। हाथों से पहले अच्छे से फैला लेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी सब जगह से अच्छे से फैला लेते हैं। बहुत अच्छे से भरिएगा ताकि हर बाइट में आपको ये फिलिंग का मजा मिले। बहुत टेस्टी बनता है, बनाइएगा जरूर। और उसके बाद क्या करना है आपको, ब्रेड के स्लाइस मिलते हैं, सॉरी चीज के जो स्लाइस मिलते हैं उसको हल्के हाथ से ऐसे आपको निकालना है। बहुत डेलिकेट होता है, ध्यान से निकालिएगा और फिर उसके बाद इसको इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दीजिएगा ऐसे। और जो ये ब्रेड बचा हुआ है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टोमेटो सॉस लगाएंगे। टोमेटो सॉस लगाएंगे अच्छे से, इसको भी अच्छे से लगाइएगा सब जगह से, पूरे ब्रेड पे ये स्प्रेड हो जाना चाहिए। और लगाने के बाद इसको हमको इसके ऊपर रख देना है, बस अच्छे से दबा दीजिएगा सब जगह से। और उसके बाद एक नाइफ की मदद से इसको ट्रायंगुलर शेप में इसको कट करिएगा, ये आराम से कट हो जाता है। ये देखिए बहुत आराम से कट हो जाता है। इसी तरीके से हम 5 या 6 जितने भी आपको बनाना है आप इसको बना सकते हैं।
ये देखिए टोटल मैंने 4 पीसेस तैयार कर लिए हैं, आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं, मैंने 4 बनाई हुई है। अब इसको हमको क्या करना है, जो बेसन का घोल बनाया है उसमें इसको डिप करेंगे और फ्राई करते हैं। ये जो बेसन का घोल है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके ये जो हमने ब्रेड रोल बनाया हुआ, ब्रेड पकौड़ा जो बनाया हुआ है, इसको अच्छे से सब जगह से कोटिंग करेंगे। हर जगह से इसको अच्छे से कोट कर लीजिएगा और उसके बाद धीरे से हम क्या करेंगे, तेल में इसको डाल देंगे। एक और दिखा देती हूँ, कोटिंग अच्छे से करके इसको हमको डाल देना। अब इसको फ्राई होने देंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे और जब नीचे का पक जाएगा उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी इसको हम इसको पलट देंगे। बस इसको भी इसी तरीके से हमको पलट देना। ये भी 2 मिनट में हो जाएगा। ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है, इसको अभी मैं निकाल देती हूँ। एक एक करके आराम से इसको निकाल देंगे। ये देखिए, पास से भी दिखाते हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है ये दोनों तरफ से। बस इसके बाद इसको जितना भी आपने बनाया पकोड़ा सब ऐसे ही करके आप, एक और बताती हूँ, ये हमारा लास्ट, एक और बताती हूँ, ये हमारा लास्ट भी डिश आउट हो गया ब्रेड पकौड़ा। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके जो ब्रेड पकौड़ा है ये बना कैसा है।